तो यहाँ भरते के लिए हमने ले लिए हैं बैगनों के पापा, जो कि देखिए कितना बड़ा बैगन है। तो इसको भी मैं रोस्ट करने रख दूंगी। तो बैगन कुछ इस तरह से हमारे भुनना शुरू हो चुके हैं, और इधर मैंने टमाटर रख दिए हैं उबलने के लिए। और यहाँ कर रही तो आज मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं इतनी सारी सब्जियाँ मैंने काट रखी हैं। ये है अदरक, मिर्ची, लहसुन, धनिया खूब सारा, ये आलू, ये प्याज। तो मैं बना रही हूँ लिट्टी चोखा। तो मैंने फाइनल चॉपिंग कर ली है, और जिसमें मैं बनाने वाली हूँ आलू का चोखा अपने स्टाइल से, टमाटर की सब्जी या चटनी जो भी कह लें, और बैंगन का भरता, और हमारी लिट्टी। तो पहली बार ट्राई करूँगी मैं, देखते हैं कैसे बनती है, और मैं कुछ उसमें अपना भी वेरिएशन डालूँगी। हम लोग बाटी बनाते हैं, बाफले भी बनाते हैं, लेकिन लिट्टी पहली बार बनाने जा रही हूँ मैं। तो बने रहिए मेरे साथ, और मैं बताती हूँ कि मैं कैसे अपनी तरह से धीरे धीरे सारी सब्जियाँ और फिर लिट्टी बनाऊँगी। तो स्टे विद अस। तो यहाँ भरते के लिए हमने ले लिए हैं बैगनों के पापा, जो कि देखिए कितना बड़ा बैगन है। तो इसको भी मैं रोस्ट करने रख दूंगी। वैसे तो खैर ये कोयले में भी बहुत अच्छा हो जाएगा, बट हम पे टाइम नहीं है, तो हम भी इसको पहले गैस पे ही अपना रोस्ट कर लेते हैं, और आगे दिखाते हैं हम अपनी सब्जियों की चॉपिंग। सो स्टे विद अस। तो बैगन कुछ इस तरह से हमारे भुनना शुरू हो चुके हैं, और इधर मैंने टमाटर रख दिए हैं उबलने के लिए। और यहाँ कर रही हूँ मैं चोखे की तैयारी आलू के। तो देखते हैं आगे। तो हेलो दोस्तों, आज सज गई है मेरी बिहारी दुकान, जिसमें कि आज मैं बनाने वाली हूँ सारा बिहारी खाना। तो सबसे पहले गैस ऑन करती हूँ, और ये मेरे बैगन मैंने दिखाए थे जो वो रोस्ट हो चुके हैं, अब बस मुझे इसको पील करना है। ये टमाटर मेरे बॉईल हो चुके हैं, इनको मुझे पील करना है। आलू मैं छील चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं हल्का सा इसमें सरसों का तेल डाल के आलूओं को फ्राई करूँगी। सबसे पहले यहाँ मैं थोड़ा ज़्यादा सा तेल डाल के इसको तेल को गरम कर लेती हूँ, और इसमें मैं फ्राई करूँगी आलूओं को। और जब तक मैं बैगन छील लेती हूँ और टमाटरों को छील लेती हूँ। तो मैंने जो टमाटर बॉईल किए थे उनका मैंने ऊपर की जो स्किन होती है वो निकाल दी है, और बस साबित ही इनको मैं इस तरह से ऐसे ऐसे करके जो मेरे मैशर है हैंड में वाला, इसी से ही मैं इस तरह से इनको मैश कर लूँगी। और बस इनको मैं ज़्यादा वो नहीं करना। मैंने जो रेसिपी देखी थी उसमें तो उसने खैर इसमें ही कच्चे सारे इंग्रेडिएंट्स मिला दिए थे, बट मुझे ये लगता कि हमारे यहाँ किसी को पसंद आएंगे, तो मैं इनको थोड़ा सा पकाऊंगी, हम फ्राई करूँगी तड़का जैसा दे के। तो वो एक मैं टमाटर की सब्जी उसी तैयार करने वाली हूँ। नॉर्मली हम टमाटर की सब्जी काट के बना लेते हैं टमाटरों को, बट यहाँ मैंने थोड़ा सा उनका जो ट्रेडिशनल कहना चाहिए जो टेक्सचर होता है वो लेने की कोशिश करी है, और थोड़ा सा मैं उसमें अपना वो मिलाऊंगी। तो इस तरह से मैं इसको मैश कर लूँगी सारे टमाटरों को, बढ़िया मैश हो रहे हैं ये, लगभग चटनी जैसी बन जाएगी। और यहाँ मेरे आलू भी होने वाले हैं, बैगन मेरा भुन ही गया है ऑलमोस्ट। आलूओं को हमें बिल्कुल गोल्डन कर लेना है। ये नए आलू हैं, इनकी मैंने सिर्फ इसे सिंपली ऐसे छील है, आलू हमारे पक गए हैं, अब बस इनको मुझे गोल्डन ब्राउन से करने हैं, जिससे कि दम आलू वाला टेस्ट आएगा। तो अब इसमें मैं चटनी में क्या करने वाली हूँ कि बस इसमें मैं जो तड़का देते हैं हम, जैसे लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, इन सब का तड़का देके और बस ये चटनी डाल दूंगी और गैस बंद कर दूंगी।
इस तरह से हमारी ये चटनी तैयार हो जाएगी। तो स्टे विद अस। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पे आटा लगा लिया है, अब इसमें कुछ दिखाने की ज़रूरत तो थी नहीं, मैंने सिंपल इसमें जो हमारा नॉर्मल गेहूं का आटा होता है उसमें थोड़ा सा ऑयल, नमक, थोड़ा सा खाना सोडा डाल के मुलायम सा आटा गूंथ के रख लिया है, घर से थोड़ा सेट हो जाए। और यहाँ मैंने निकाल लिया है सत्तू, और ये मेरे आलू भी बॉयल हो चुके हैं जैसे कि दिख रहा है, ये सॉरी फ्राई हो चुके हैं, बॉयल नहीं। और यहाँ बैंगन का भरता तो बन ही रहा है। तो अब मैं इसमें नॉर्मल अब आलू में तो मैं कहना चाहिए पहले इसमें सारा कच्चा ही मटेरियल डालूंगी, मैं कुछ भी फ्राई नहीं करने वाली क्योंकि ऑलरेडी ये फ्राइड है। तो मैं इसमें डालूंगी कच्चा प्याज खूब सारा, ठीक है, और डालूंगी थोड़ी सी इसमें हींग, इतनी हमारी हींग अच्छी वाली है, और थोड़ा सा हरी मिर्ची कटी हुई बारीक, और थोड़ा सा लहसुन। अदरक इसमें नहीं डालूंगी, पता नहीं शायद कच्ची अदरक अच्छा ना लगे। लहसुन डाल दिया मैंने इसमें अभी, और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ नमक मिर्ची अपने अकॉर्डिंग टेस्ट है, नमक डाल दूंगी, मिर्ची डाल दूंगी, और थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा नहीं, शगुन की हल्दी क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी सब्जी बिना हल्दी के नहीं बनाई जाती है। और यहाँ थोड़ा सा इसमें डालूंगी मैं अमचूर पाउडर, भी डाल सकते हैं चाट मसाला भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा टेस्ट इसका बढ़िया हो जाएगा। और खूब सारा इसमें डालूंगी मैं हरा धनिया इतना इस तरीके से, और इसको अब हम आप चाहें तो अगर आपको मैशर हो तो मैशर से मैश कर लीजिए, नहीं तो सबसे बढ़िया है कि अगर आपके आलू ठंडे हो गए हैं तो इस तरीके से हाथ से इसको बढ़िया मैश कर लीजिए। तो मैं दिखाती हूँ आपको मैश करने के बाद, और अब तक इसकी भी तैयारी कर लेते हैं। सत्तू में अब हम क्या क्या डालेंगे, सबसे पहले डालेंगे हम इसमें कटा हुआ लहसुन, ये हम फिलिंग बना रहे हैं लिट्टी की, तो कटा हुआ लहसुन डाल देंगे, और थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्ची, इसमें प्याज आज नहीं डालूंगी, पहले मैं सोच रही थी डाल दूँ प्याज लेकिन फिर मुझे लगा पता नहीं कैसी लगेगी। और इसमें मैंने सुना है कि कई लोग भी मैंने जो ट्रेडिशनल बनाते हैं वो डालते हैं इसमें पुराने अचार का मसाला, हल्का सा ऑयल डालूंगी लगभग एक स्पून टेबल स्पून, और धनिया काफ़ी सारा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ जो सीक्रेट बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स डालने वाला है वो है हमारा अचार का मसाला। तो मेरे पास मेरा पुराना आम का अचार है, मिर्ची का अचार तो सारी मैंने वैसे देखा है मिर्ची का अचार ही डालते हैं वो लोग, लेकिन मैं अब डाल रही हूँ इसमें ताश, और हल्का सा इसका भी तेल जिससे कि वो थोड़ा सा टेस्ट इसका ज़बरदस्त हो जाए। जिनको अचार का फ्लेवर पसंद है उन्हें बहुत अच्छा लगेगा ये। और बस इस तरह से इसको थोड़ा सा इसमें भी नमक और मिर्ची और ऐड करूँगी, ये रहा हमारा नमक, हल्का से इसमें भी मैं अमचूर डालूंगी, मिर्ची एज यूजुअल, थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ा सा अमचूर, हल्का सा ज़्यादा नहीं, ओके। और इसको हम कर लेंगे मिक्स जिससे ये थोड़ा सा, इसका हमें डो नहीं बनाना है, बढ़िया है कि इसको फिल करना पड़ेगा हमें लिट्टी के अंदर, तो हल्का सा इसको बाइंड करना है बस, जैसे ये बिखरा बिखरा सा ना रहे, थोड़ा सा बाइंड हो जाए
इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो बस मेरा ऑलमोस्ट सारा रेडी है। अब मैं जा रही हूँ कोयला जलाने, क्योंकि मेरे पास कंडे नहीं हैं, तो कोयले का अंगारों पे ही इनको सेकूंगी। मेरे पास वैसे तंदूर भी है अवन, लेकिन आज मैं इसको देसी स्टाइल में खाने के मूड में हूँ, तो मैं इसके लिए अभी कंडे कोयले की आगे जलाने वाली हूँ। तो दिखाते हैं थोड़ी देर में आपको। स्टे विद अस। तो भाइयों और बहनों देखो यहाँ पे क्या बन रहा है। तुम लोगों के सबके मुंह में जबरदस्त पानी आने वाला है, मुझे पता है। ये मैं आज बना रही हूँ लिट्टी, वो भी पता है का है, मैं कंडे पे, और बढ़िया मस्त क्या फूल रही है देखो। और मैंने चोखा भी बनाया है, पूरा वीडियो बनाया है, वीडियो देखना मेरा परसों आएगा। और क्या जबरदस्त ही और मज़ा आ रहा है सब में, लाइफ सेट हो गई, सेट दिख रहा है, यमी। तो यहाँ मैंने, मेरे पास जो तंदूर था उसके ऊपर मैंने तसला रख के उसमें पहले थोड़ा कोयले में ना वो डाल के तेल ऑयल डाल के मतलब वो तारपीन का जलाने की कोशिश करी, तो वो हुआ नहीं। फिर मैंने इसमें कंडे मेरे पास थे दो चार गोबर के, वो जो होते हैं हम पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं उसको, तो हम लोग तो कंडे बोलते हैं, कंडे जला के कपूर से और थोड़ा सा ऑयल और डाल के फिर मैंने यहाँ पहले आग वो करी, काफ़ी देर लग गई मुझे उसमें। और अब मैं सेकना शुरू कर दी हूँ अपनी लिट्टी, बहुत अच्छी आग हो गई है और मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि सर्दियों में मुझे लगता है इसीलिए लेडीज़ लोग पसंद करती हैं चूल्हे पे खाना बनाना, क्योंकि एक अलग ही मज़ा है कि बाहर से ठंड लग रही है और चूल्हे के पास बैठे हैं तो उससे अलग सी ही एक गर्माहट मिलती रहती है। तो मैं इसको चूल्हा तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ चूल्हे वाली फीलिंग ज़रूर आ रही थी और बहुत अच्छा लगा। और मैंने इस तरह से सारी अपनी लिट्टियाँ बनाई, फिर सबका वेट करती रही कि सब लोग आ जाए फिर खाएं हम लोग। बाकी बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नेक्स्ट टाइम बाटी ऐसे कोशिश करूँगी बनाने की, बाटी और बाफले बनाते हैं हम लोग, वो भी बहुत अच्छे बनेंगे, इसी तरह से बनाऊँगी उनको भी। तो बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आपको बैगन के भरते की रेसिपी चाहिए हो तो मैं वो भी अलग से बता दूँगी, हालांकि इसमें से वैसे मिस हो गई है बैगन के भरते की रेसिपी। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करते रहिए इसी तरह से। थैंक यू। तो इस तरह से कुछ हमारी लिट्टी सीखना शुरू हो चुकी हैं और काफ़ी कुछ सीख भी गई हैं। मुझे थोड़ी सी करारी पसंद है इसीलिए मैं थोड़ी खरी खरी सेक रही हूँ, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। एक तो ठंड में ज़बरदस्त आँखी भी मिल रही है सेकने का, तभी लगता है गांव वालों को मज़ा, मतलब गाँव ऐसे नहीं बोलना चाहिए हालाँकि, लेकिन फिर भी हाँ सर्दियों में चूल्हे पर खाना बनाने का मज़ा ही अलग है। तो इस तरह से बस घी में हम इनको थोड़ा सा ऐसे गड्ढा सा कर लेंगे और बस देसी घी में ऐसे ऐसे डाल के और निकालते जाएंगे। मैं हल्का सा इनको पोंछती भी जा रही हूँ, क्योंकि ये ना थोड़ा टेस्ट हो सकता है वो हो जाए। तो आज मैं ट्राई की हूँ लिट्टी और चोखा, मतलब काफ़ी चीज़ें बनाई हैं और मैं अपने स्टाइल में बना रही हूँ। देखो क्या ज़बरदस्त बन रही हैं, और वो भी कंडे की और कोयले की अंगारों पे।
जबरदस्त। बापू बताओ कैसे लग रहे हैं? इतनी अच्छी, इतनी अच्छी, लेकिन नमक टमाटर वाले में नमक कम है। सबसे बेस्ट मुझे आलू का चोखा लगा, सेकंड नंबर बैगन भरता। आज भरते को सेकंड नंबर कैसे मिला? नहीं, और अभी आप क्या कह रहे थे कि उससे अच्छी लग रही है ओवन की, उससे ओवन वाली बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा खाते ही हो। और सबसे बड़ी चीज है वो एकदम पत्थर जैसी हो जाती है। ये बाहर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट, वो वाली चीज है इसमें, है ना। चलो तो फिर बोल दो लास्ट, मतलब बाय बाय कर लो। बाय बाय। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड, अरे वीडियो तो अच्छा लगेगा ही, लिट्टी अच्छी लगे तो मुझे अच्छी लग रही है। तो क्या करना है? सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। नहीं करोगे तो लिट्टी नहीं मिलेगी। खालो खालो, जल्दी खालो, सब्सक्राइब कर लो। सब सामान वापस कर। तो इसी के साथ हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय। लिट्टी खालो गाइज, गाइज लिट्टी खालो। बाय बाय। तो यहाँ पे किस तरह से मजा लिया जा रहा है लिट्टी चोखे का, और ये बैठे हैं बेटू, वो बैठे हैं पापा। और कैसा लग रहा है बेटू? बेटू तो कह रहा मैंने आज तक ऐसा टेस्ट ही नहीं खाया। बहुत मजा आ रहा है, इसमें तो मजा आ रहा है ना। बढ़िया बालकनी में बैठे हुए हैं हम, यही लिट्टी है।